हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड ने ALP टेक्नीशियन का आंसर की जारी कर दिया है। तो दोस्तों, रेलवे द्वारा जारी किए गए इस आंसर की को सभी छात्रों ने लगभग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था चेक किया। चेक करने के बाद बहुत सारे छात्रों का दावा है कि रेलवे द्वारा जारी किए गए आंसर की में गलत आंसर दिया गया है। तो दोस्तों, निराश न हो, इसकी पूरी लिस्ट आ गई है कौन से शिफ्ट में कितना प्रश्न गलत है, अर्थात कितने उत्तर जो है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया उत्तर गलत है, उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। जैसा कि आप आज के आर्टिकल में भी आप चेक कर सकते हैं या हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी छपा है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। मैं जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, जिससे पल पल की अपडेट्स उन तक मिलता रहे। दोस्तों, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी नोटिस हो, सबसे पहले मेरे चैनल से आप तक पहुँचता है। तो दोस्तों, देखते हैं कौन से शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं गलत किए गए हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ये कटिंग्स हैं जिसमें लिखा है रेलवे परीक्षा के मॉडल उत्तर में कई गलत हैं, जिससे छात्रों में निराशाजनक भावना उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, परीक्षार्थियों का दावा है जो कि आप देख रहे हैं कि 9 अगस्त की सेकेंड सेटिंग में 8 उत्तर गलत हैं, 10 अगस्त के सेकेंड सेटिंग में 7 उत्तर गलत हैं, 13 अगस्त की थर्ड सेटिंग में 8, 20 अगस्त की पहली सेटिंग में फर्स्ट सेटिंग में 16 उत्तर गलत, 20 अगस्त की सेकेंड सेटिंग में 5, 20 अगस्त की सेकेंड सेटिंग में 25, 29 अगस्त की फर्स्ट सेटिंग में 5, 29 अगस्त की सेकेंड में 15 और थर्ड में 7। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि प्रत्येक सेटिंग में कुछ न कुछ उत्तर गलत हुए ही हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि ये गलत उत्तर हैं तो आपने जो सही किया है उनके मार्क्स तो कटे ही कटे, निगेटिव मार्क्स और आप पे बोझ पड़ गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 अगस्त की परीक्षा के कुछ प्रश्न जो गलत हुए हैं उनकी भी लिस्ट दिया है, व्याख्या की गई हैं। प्रश्न संख्या 69 में बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्या किया जाता है, तो इसका उत्तर आंसर होना चाहिए, सही उत्तर न्यूटन के गति के पहले नियम, जबकि बोर्ड द्वारा दिया गया जारी किया गया आंसर है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, जो कि एकदम रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि 50 प्रश्न का है, किसी विशिष्ट भाषा में ट्री का कूट USF है तो इसमें मैंगो का कूट क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा NBOHP, लेकिन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है OBHNP, तो दोस्तों ये गलत है। और अगला, जैसा कि देख रहे हैं 38 नंबर प्रश्न संख्या का श्रृंखला है, नंबर सीरीज उससे क्वेश्चन आया था, सीरीज है 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36, इसका आंसर होना चाहिए 343, जबकि बोर्ड द्वारा किया गया है 25। तो दोस्तों, ये जो है बहुत सारे आंसर गलत किए गए हैं। एक दो होता है तो माइनर मिस्टेक्स माना जा सकता था, लेकिन जबकि हर सेटिंग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इसलिए इनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये शनिवार का न्यूज है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने गुरुवार को टेक्नीशियन के लिए हुई परीक्षा संयुक्त परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों ने मॉडल उत्तर में कई गड़बड़ियां बताई हैं, अभ्यर्थियों ने भी कई प्रश्नों को जवाब को गलत बताते हुए संशोधित मॉडल उत्तर जारी करने की मांग की है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो संयुक्त परीक्षा में सिग्नल मेंटेनर, ड्राइवर, टेक्नीशियन, टेलीकॉम मेंटेनर से रिलेटेड सभी पोस्ट के लिए 60,000 पोस्ट के लिए एग्जाम्स ली गई थी, जिसमें 37 लाख लगभग परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इनमें कुल 30 सेटिंग्स में परीक्षा ली गई थी। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ है उसमें बहुत सारे गड़बड़ियाँ निकली हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रत्येक सेटिंग का गलत उत्तर का दावा कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोग। मेरे व्हाट्सएप पे भी कई मैसेज आए हैं, मेरे द्वारा जारी किए गए यूट्यूब वीडियो में कई कमेंट्स आए हैं कि सर मैंने आंसर सही किया है, बोर्ड द्वारा क्वेश्चंस को आंसर जो है गलत कर दिया गया है। दोस्तों, निराश ना होइए, 18 सितंबर तक सुधार के लिए मौका दिया गया है। वैसे परीक्षार्थी या जो भी लोग इस परीक्षा में शामिल हैं जिनके आंसर लग रहा है कि गलत बोर्ड द्वारा किया गया है,
वो किसी तरह की आपत्ति के लिए अपने उत्तर को वेबसाइट पे अपलोड कर दें, सही उत्तर जिन्होंने किया है, और परीक्षार्थी सही उत्तर वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी को उत्तर अपलोड करना ही होगा जिससे वो अपने सही आंसर के लिए, अपने मार्क्स के लिए क्लेम कर सकें। कभी कभी वैसे परीक्षार्थी जो सिर्फ दावा करते हैं इनके रिजल्ट में सुधार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको इनके जो भी सही उत्तर आपके हैं वो आप वेबसाइट पे अपलोड कर लें तो आपको आपके जो मार्क्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि कटअप लिस्ट भी जारी किया गया है, जैसा कि आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं कटअप लिस्ट है, उससे कुछ कम ही कटअप लिस्ट दिए हैं। तो दोस्तों ये आंसर गलत होने से कटअप लिस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो दोस्तों निराश ना होइए। जैसे ही इससे रिलेटेड आगे की जो भी अपडेट्स आएंगी हमारा चैनल आप तक ज़रूर वो न्यूज़ पहुँचाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले कुछ जो भी जानकारियाँ मिलती हैं उसके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।